नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15x40 स्क्वायर फीट हाउस प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका 2D प्लान, इसका 3D प्लान और इसका स्ट्रक्चरल प्लान। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, हम इस चैनल पर बिल्डिंग से जुड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप तक आसान भाषा में पहुँचाते हैं। साथ ही साथ हम इस चैनल पर बिल्डिंग ड्राइंग और एस्टीमेट भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का हमारा प्लान इस तरह से डिजाइन हुआ है। ये हमारा 15x40 हाउस प्लान है। इसकी चौड़ाई 15 फीट है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी 15 फीट चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ तक इसकी 40 फीट लंबाई है। हम एंट्री करेंगे पोर्च से। ये हमारा पोर्च है, आप देख सकते हैं, जिसका साइज 6 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 5 इंच, मतलब चौड़ाई 6 फीट 9 इंच और लंबाई 9 फीट 5 इंच। तो यहाँ पे आप इजीली बाइक वगैरह आराम से पार्क कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम एंट्री करेंगे लिविंग रूम में। लिविंग रूम देख सकते हैं आप, लिविंग रूम का जो हमारा साइज है दोस्तों वो 13 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 7 इंच, मतलब 13 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक और 8 फीट 7 इंच यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम स्टेयरकेस की ओर देखेंगे दोस्तों। तो स्टेयरकेस हम लिविंग रूम से एंटर करेंगे, यानी कि हॉल से यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से यू टर्न लेते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो इसका जो स्टेयरकेस का जो साइज है दोस्तों वो यहाँ पे हमने 6 बाय 10 फीट का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 फीट का रखा है और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट का रखा है। इसके बाद हम एंट्री करेंगे किचन में। आप किचन देख सकते हैं, किचन का जो साइज है हमारा यहाँ से यहाँ तक 7 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंचेस। एंड आफ्टर हम जाएंगे बेडरूम में, तो बेडरूम का साइज देख सकते हैं आप 9 फीट 1 इंच बाय 9 फीट 5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे हमने कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड किया है दोस्तों, जिसका साइज है 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका 7 फीट है और यहाँ से 3 फीट 6 इंच, आप 4 फीट तक दे सकते हैं वहाँ पे चौड़ाई। इसके बाद में यहाँ पे एक हमने 2 फीट का पीछे से गैलरी रखा है दोस्तों, 2 फीट का, ताकि वेंटिलेशन अच्छा से हो। और इस साइड से हमारी रोड है, मैं इसके 3D एलिवेशन में आपको दिखा दूंगा कि इसका किस तरह से इसका यहाँ से रोड है। और यहाँ पे आपको 3x3 की एक विंडो प्रोवाइड करना है, मैंने यहाँ प्रोवाइड नहीं की। और यहाँ पे 3x3 की विंडो और यहाँ पे 4x4 की विंडो प्रोवाइड करना है। उसके बाद रही बात डोर की, तो यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का डोर प्रोवाइड किया है हमने। इसके बाद यहाँ पे भी 3 फीट का डोर है और यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस का डोर प्रोवाइड किया है हमने और यहाँ पे भी 2 फीट 6 इंचेस का डोर प्रोवाइड किया। इस तरह से हमने इसका 3D प्लान डिजाइन किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2D प्लान में समझाया था, यहाँ पे हमारा पोर्च रहेगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद ये स्टेयरकेस है दोस्तों हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज स्टेयरकेस। उसके बाद यहाँ पे लिविंग रूम, यहाँ पे हमने 3x4 फीट का हमने विंडो प्रोवाइड किया है, ये भी एक विंडो है। यहाँ पे 4x4 फीट का विंडो प्रोवाइड किया है, यहाँ पे एक लोड विंडो प्रोवाइड किया है हमने बाथरूम्स में। इसके बाद ये हमारा बाथरूम्स है, यहाँ पे लिविंग रूम आएगा दोस्तों। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका डिजाइन दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक वॉल कंपाउंड प्रोवाइड की थी हमने, जो कि 2 फीट के डिस्टेंस पे है। इस तरह से ये बेडरूम का डिजाइन है दोस्तों, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम्स आएगा और ये किचन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको इस तरह से अच्छे वीडियो मिलते रहे।